संसद का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद जो बोल असदुद्दीन ओवैसी के सामने आए हैं, जो सुर और ताल उनके सुनाई दिए, वो यही कह रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को वो भड़का रहे हैं। नई संसद में तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब नई पार्लियामेंट बनेगी, उसमें जाएंगे। नई बिल्डिंग तो बन गई, जरूरत भी थी नई बिल्डिंग की, मगर उसमें कौन तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कब तक तुम मुझे मेरी तरफ देखोगे, इम्तियाज जलील की तरफ देखोगे? अरे हम इंसान है भाई, हम कभी ना कभी ये चिराग गुल हो जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे, फिर तुम किसको लेकर आओगे? तुम आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, तुम्हारे दरमियान से तुमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। सोचो मेरी इस बात को। नहीं, पार्लियामेंट में है ना ओवैसी, बोलेगा अरे मैं क्या कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी हूं, दूसरे नहीं बोल सकते। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो सबकी जबानें खामोश। मैंने कहा हूं मुस्लिम एमपी से, दूसरे पार्टी के बोलो, कुछ तो बोलो। बोले नहीं ओवैसी, तेरी बात सुनने थे हम। बोला क्यों? बोले हमारी पार्टी नहीं बोलने देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए आप, अपनी आवाज को मजबूत करिए आप। डरिए मत, घबराइए मत। हालात मुल्क के उसी वक्त बदलेंगे जब आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। अगर आप मुझसे मुझे पसंद नहीं करते तो किसी और को खड़ा कर लो मेरे भाई, मगर कोई तो हो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। अरे महाराष्ट्र की सियासत में किसानों के नेता है, दलितों के नेता है, आदिवासियों के नेता है, मराठों के नेता है, बैकवर्ड क्लास के बरादरियों के नेता है, तुम्हारा कौन है नेता बताओ? अरे जो चुनाव आने के बाद जो लोग मसाजिद से ऐलान करते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो, अरे आप खुद लीडर बन जाइए ना, चुनाव लड़िए आप। मैं ये काम करने को तैयार हूं, मगर ये कब तक ऐलान करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं? और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, असदुद्दीन ओवैसी जो मुल्क के हालात सुधारना चाहते हैं, ये भी तो बताएं कि कौन से हालात सुधारना चाहते हैं। ये जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, यही लग रहा है कि 2024 की तैयारी है असदुद्दीन ओवैसी की, और वो समझ रहे हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का अपना एक वोट बैंक है और बहुत ही स्कैटर्ड वोट बैंक उन्होंने देश भर में जो है इकट्ठा कर रखा है, जो कि कहीं ना कहीं डर के नाम पर राजनीति करता है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर राजनीति करते हैं। अब नए संसद का सवाल ना पूछे जाने या सवाल ना पूछने का मौका मिलने से लेकर आपस में क्या संबंध है, ये ओवैसी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनके लगातार चुनावी भाषणों को पिछले कई सालों को सुने तो खास करके जो अकलियत या जो अल्पसंख्यक है उनमें वो ये डर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सत्ता जो है वो ना सिर्फ उनके अधिकारों को छीनेगी बल्कि लेकिन बड़ी बात तो ये गौरव है कि इस डर के माहौल को पैदा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कौन उनका साथ देगा ये भी तो देखने वाली बात होगी।